आपका बहुत बहुत स्वागत करता है लोहा सिंह। फिर गंदा हो गया पैर। कौनो बात नहीं है दामा जी। अरे दासी नौकरानी होती कहां के लिए है? अरे फिर से आपका पैर धुला देगी। ए चल साफ कर। इसको कहते हैं इंसान को उसकी सही औकात पता चले। तुम्हारी जगह हम जैसे लोगों के पैर में है। हम जानते हैं तुम लाली से बहुत नाराज हो। बाकी अब तुम इस घर के ही हो, कौनो बाहर के तो हो नहीं। इसलिए तुमको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि लाली हमारी बीवी है। जिस तरह लाली सब भुला दी है, उस तरह तुम भी सब भुला दो।
आप सब लोगों के ठहरने की और जश्न की व्यवस्था जनवासन में किया हूँ। आइए आइए। हमको पता है लाली, तुम खाली अहली इतना बेइज्जती सह रही हो ताकि ब्याह अच्छे से हो जाए। अब हम तुमको कहाँ बताएं कि कहाँ हो तुम हमरे लिए। लाली, ये ब्याह हो जाएगा, ओकरे बाद हम तुमरे शादी सब दोबारा नहीं होने देंगे, कभी नहीं। बस कोनो तरह ही ब्याह अच्छे से निपट जाए बस। अरे शेखरवा, अरे वहां कहां चिपक गए, यहां आओ। को तुम्हारे बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे बाबू का आशीर्वाद मिल गया तुमको, अब कौनो बात की फिक्र नहीं है हमको। कहे कि अब तू ना है हमरे साथ, हम और तुम मिलकर ये काम पूरा करेंगे। पता है ना कौन सा काम? तुम्हारे बाबू को गलत लोग से बचाने का काम। काहे ठकुराइन, नेक देने में कंजूसी काहे कर रही है? ये भी लो, ये ले, खुश। ए पुरे रीति माई, अपने हिस्से का पैसा सामान अलग कर ले सत्यानाश। मतलब तैयार होने जा रहे, इन सबसे तो अच्छा ही दिखना है ना हमको। तब बाकी आपका तो बड़े ठाकुर ने यहाँ जनवासा में रहने के लिए बताए। तो अब अगर हम जनवासा में रहेंगे तो तैयार कब होंगे हम? अरे तनी देर रुकिए, फिर जाइएगा, ठीक है ना? अरे कहाँ ठीक है,
हम तो चाहते हैं कि बबूनी जी की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए और वो ई घर से जाए, नहीं तो वो सब बकवास बतियाती रहेंगी। हाँ कौन बकवास? अरे तुमको नहीं पता है ना? कहाँ पता? अरे वो है ना, ए गंगिया। हाँ अच्छा हम अभी आते। अरे यहाँ की व्यवस्था में कौनो कमी बेसी तो नहीं रह गई है ना? सब चिका चखा है। हाँ बड़ा ठाकुर यहाँ तो सब ठीक है। जाओ पंडलवा चीख कर, वो पंडलवा चीख कर, चल जा। बुढ़िया कार नेक गिनने में लगी है, आशीर्वाद देने आई है तो आशीर्वाद दे चौहतरा। हम आशीर्वाद देने तो यहाँ आए हैं। जल्दी से पोता आके तुम्हारे कपड़ा लत्ता पवित्र करे। का प्यासे के सामने कुआं कुआं चिल्लाकर पानी का प्यास बढ़ा रही है? अब प्यास बढ़ा दी है तो प्रार्थना कर कि पानी जल्दी प्राप्त हो। सुन रही है बुढ़िया? पोता कपड़ा लत्ता पवित्र होगा तो नेक में तुझे भी दो चार कपड़ा मिलेगा और हमारी हवेली भाग जाग जाएगा। सुना, चल जा। ए बस रोपना, अरे का कर रहा? अरे घुटना पानी भर गया है का? अरे रानी, तेरा दारू के साथ अपनी जवानी भी गिलास में डाल दो। क्या हुआ? का नहीं मिला बाबू साहब आपको? ए, तुम हटो यहां से, हमारा जो मन करेगा हम खुद ही ले लेंगे। ससुरी तुम्हारी हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हा? बाकी जिंदगी नहीं आगे बढ़ेगी, ये जान ले। आप ही के कारण ही हिम्मत बढ़ी। भैया लोहा सिंह के द्वारे पर आए हैं, पर सब सुना सुना। अरे कौनो पतरिया बतुरिया ना ही बुलाए हैं का? रास बिहारी जी, हमका जानकारी नहीं थी कि आपको भी नाच गाना पसंद है। बाकी कुछ लोगों को अच्छा नहीं ना लगता, यही लिए नहीं मंगवाए। काहे कि यहाँ रिश्तेदारी देखनी पड़ती है ना, आप समझ रहे हैं। फिर भी घबरावे कौन बात नहीं, आपको पसंद है तो अब ही मंगला देते। रणविजय। हाँ बाबा, अब ही नाते। तनी इधर आइए, तनी कौनो पतोरिया बतोरिया हो तो जरा समा बांधिए। अरे काहे नहीं, काहे नहीं, अभिन करते। अभिन करता हूँ, तब तक आप चेपिए। अरे इनका गिलास भरिए जरा। हाँ भाई, आइए आइए। हो सकता है
कोनो तरीका मिल जाए ई बियाह रोकने का हमको। एजम तनी ध्यान रखना है, हाँ ठीक से काम करना। हम अभी आते हैं। बाबूजी पतोरिया के लिए बोल तो दिया और हम दो तीन जगह बात भी कर लेंगे, लेकिन ये भगत पतोरिया का लिए इंतजाम करना तनी मुश्किल है, बताए दे रहे हैं। हमें इससे कोनो मतलब नहीं है रणविजया, हम कह दिया तो कह दिया, एगो पतोरिया बंदोबस्त करना कोनो मुश्किल बात नहीं है। हमको नाचने वाली चाहिए तो चाहिए। अरे बाबूजी अब हमको तो नाच नहीं करना है ना यहाँ पे, अब ये भगत ससुरी पतोरिया कहाँ से लेके आएंगे, आप समझे नहीं करते। हम कुछ मदद कर सकते हैं का? तू क्या मदद करेगी? बड़े ठाकुर वक्त कम है और नाचने वाली का आना भी जरूरी है। अगर आप हुकुम करें तो हम नाचते हैं। मैंने वो बराती लोगों के सामने नाचने वाला काम कर देते हैं। देखिए आप लोग बरपक्ष के लोग हैं और ऐसे माना जाता है कि ब्याह का घर में देवता पितर से पहले बरपक्ष का स्वागत किया जाता है, तो हम भी आप लोगों का सबसे पहले और सबसे मजेदार स्वागत करेंगे। ये ठाकुर लोहा सिंह का वचन है, थोड़ी देर और इंतजार कीजिए। आप लोगों के सामने एक बहुत मजेदार चीज आ रही है, ऑल बिहार में चर्चा हो जाएगा आप लोगों के नाच देखने का। तो यही बात पे होगा हम सबका जिया। क्या बात है? समझ रहे ना रे, हमको पता है खुद का बेइज्जती कराने जा रहे हैं वहां, सबके सामने तमाशा पर। बाकी जो गलत हो रहा है ना वो रोकने का ये एक तरीका है, वो गलत को सही करने का कोशिश कर रहे। तुमने बाबू के नाम भी समझ में नहीं आ रहा है, बाकी बाद में सब समझ जाएंगे। बहुत भोले हो, बाकी बाद में जब तक वो समझेंगे तब तक देरी ना हो जाएगा। पहले जो करना है अभी करना है। हे जमुनी, लाली को कहीं देखिएगा। अगर हम सब नहीं करेंगे तो सब गलत ना हो जाएगा, फिर क्या जवाब देंगे हम खुद को, तुमको? बड़ों के जब पूछोगे कि माई
बाबू को तो सच नहीं मालूम था, बाकी तुमको तो मालूम न था, फिर काहे ने की सब ठीक? तो क्या जवाब देंगे तुमको? इसलिए जो हमको ठीक लग रहा है ना, वही हम कर रहे। ये सब हम तुम्हारे बाबू के लिए कर रहे, कहे कि तुम्हारे बाबू जो है ना, वो कभी गलत का पक्ष नहीं लेते, इसलिए उनका सच जानना बहुत ही जरूरी है। नहीं सोचना, अगर ब्याह हो जाने के बाद उनको सच का पता चला तो क्या होगा? वो खुद को दोषी मानेंगे और हम एकदम नहीं चाहते। चले अच्छा तो नहीं लग रहा, बाकी जाना तो पड़ेगा ना। उस जानवर लोग के बीच में जाके तमाशा तो करना ही पड़ेगा। बाकी तो घबराओ मत, तुम्हारी माई नहीं सब अच्छा काम के लिए कर रही है, इसलिए सब कुछ अच्छा होगा। बबुआ, अरे तुमरे टीका करने को तो भूल ही गए हम। लीजिए सर। अरे बबुआ जी, तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। अच्छा का? ई लो। अरे इसका क्या करेंगे हम चाची? तुम्हारे बच्चे के लिए है। अरे चाची हमारे बच्चे बच्चे नहीं है। तो हो जाएंगे, हमरा मन कह रहा है कि कौनो नन्हा मुन्ना आने वाला है इस घर में, यही लिए तुम इसको अपने पास रखो, जरूरत लगेगी। इंतजार नहीं हो रहा है, अरे तनी ठुमका लगे तो मजा आए। सही बात है, अरे जब हरियाली चली जाएगी तो पानी डालने का क्या फायदा। बहुत ही कम वक्त है, इमा का हाथ से निकलना नहीं चाहिए, कहे कि अगर अभी हम मुकुल का सच्चाई सबके सामने नहीं ला पाए ना, तभी यह हो जाएगा और फिर कुछ नहीं हो पाएगा। अरे का भैया,
हम तो सोचत रहे कि पतोरिया आएगी नाचेगी तो हमार मन भी हिलोर मारेगा पटना और आरा के माफिक। लेकिन यहां तो सन्नाटा है भाई। पूरी हो गई। ये तो आरा पटना नहीं पूरा बिहार हिला देगी। एक करे जा। अरे बहुत इंतजार किए, जरा मुखड़ा तो दिखा दो, पर्दा तो खोल दो रानी। लाली इंतजाम किए बाबूजी और रण भैया, ये सब नहीं करना तुमको। चलो यहां से। वो लोग नहीं कहे छोटे ठाकुर ये सब करने के लिए, हम खुद ही कहे कि हम जो भी हो तुमको ये काम नहीं करना। चलो यहां से लाली, चलो यहां से। अरे ये का भैया, तो ललचवा के शांत हो गई है। चलो लाली, लाली ये सब काम मत करो। हमको पता है तुमको ये लोग मजबूर किए, बाकी हमारे रहते हुए तुमको ये सब करने की कौन जान। चलो यहां से। एक बार में बहुत समझ नहीं आती क्या तुमको? ए सिकरवा, ये कहां नरक फैला रहा है? अरे बिहार में ये सब बवाल करना जरूरी है का? नाचने दे उसको। बहुत सुन चुके हैं आपकी, हमरे बीच में मत पड़िए। चलो यहाँ से। का भैया ये क्या हो रहा है? ये बबुआ जी नाचने का नहीं दे रहे इन रानी को? कहीं इनकी पर्सनल वाली तो नहीं है? चल हट, चल हट, मार मार के भरता बना देंगे अभी तुमको। नाचने वाली दिख रही है का? कीचड़ को साफ करना है तो कीचड़ में उतरना तो पड़ेगा। मीरा की तरह सब इल्जाम सही के अपने भगवान के हित का काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो।
ई निष्ठा की लड़ाई है। ई लड़ाई न लड़के तुम बहुत गलत काम करोगे। सकते छोटे ठाकुर, बड़े ठाकुर जो कहे हैं हम वही करेंगे।